जनरल विजय कुमार सिंह ने अग्निपथ स्कीम के समर्थन में कहा कि लोगों की तरफ से हो रहा विरोध निरर्थक है। लोगों ने राज्य में हो रहे हिंसाचार को समझना चाहिए। अभी तक सरकार ने स्कीम के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं दी है। जनरल विजय कुमार सिंह ने अग्निपथ स्कीम को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह स्कीम अभी अभी आई है, इस पर विवाद करना गलत बात है। विरोधकों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो यूं ही विवादों को जन्म दे रहे हैं। विरोधकों के पास कोई और मुद्दे नहीं है, इसलिए ईडी और यह मामला सामने ला रहे हैं। सैन्य कोई रोजगार का साधन नहीं है, इसमें बहुत शर्तें होती है और वही यहाँ होता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश पहले ही कह चुके हैं कि हम उन्हें राज्य में 4 साल की सेवा के बाद प्राथमिक देंगे। जो सैन्य से ट्रेन होकर 4 सालों के बाद आएंगे, उनकी मानसिकता गलत नहीं होंगी और ना होनी चाहिए। राज्य में जो हिंसाचार हो रहा है वह आप समझे। अभी तक सरकार ने स्कीम के विषय में सारी बातें नहीं बताई है। इसमें कम ट्रेनिंग का कारण दिया जा रहा है, लेकिन असलियत में सेना की ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती, बल्कि यूनिट में पहुंचने के बाद असली ट्रेनिंग शुरू होती है। ऐसी प्रतिक्रिया जनरल विजय कुमार सिंह ने दी। विवाद कुछ नहीं है, लेकिन विवाद बनाया जा रहा है। और क्योंकि विपक्ष के पास बाकी कुछ नहीं है, उधर ईडी के अंदर घेराव हो रखा है, तो लोगों का गलत चीज़ें बताकर उनको भड़का है। सर, ये जो सर आपका आंकड़ा, ये जो स्कीम है सरकार ने अभी निकाली है, अभी तो चालू ही नहीं हुई, उसमें विवाद कैसा है। दूसरी चीज़, 40 या 45 बच्चों में से एक आदमी रखूँ तो बेरोजगारी की जो बात करते हो, कौन सी बात है? सेना कभी रोजगार का एक वो नहीं था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग रोजगार देते हैं। सेना और बाकी फोर्सेस में रोजगार मिलता है, लेकिन शर्तों पर, उसके लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसके अंदर भी वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद अगर आप अच्छा करेंगे तो आप में से 25% जो है वहाँ पर रिटेन किए जाएंगे, और ये जो बाकी लोग हैं उनके लिए एक अच्छा फाइनेंशियल पैकेज रखा गया ताकि उनको दिक्कत हो। साथ साथ बहुत से स्टेट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, हमारा गृह मंत्रालय है, जिन्होंने कहा है कि जो लोग आएंगे 4 साल के बाद, उनको हम प्राथमिकता पर, वरीयता पर, उनको अपने फोर्सेस के अंदर लेंगे। उसमें विवाद कहाँ रहा है?